أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students السلام عليكم ورحمة الله وبركاته In class 6th English subject lecture number 9 Today's topic is unit number 3 Ibn Sina We will write English meanings, Urdu meanings and sentences of difficult words of this unit. Before writing English meanings, word meanings, Urdu and sentences of this unit number 3, you should make a title page for this unit. इस यूनिट के वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस लिखने से पहले आप लोगों ने इस यूनिट के लिए एक टाइटल पेज बनाना है जिसका तरीकाकार पहले ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सबका लेक्चर में टाइटल पेज बनाने के बाद ये जो वर्ड्स मीनिंग्स और सेंटेंसेस होंगे वर्ड्स के वो आप लोगों ने फेस टू फेस पेजेस पर करना है सबका तरीकाकार के मुताबिक एक पेज पर आप लोगों ने वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग उर्दू मीनिंग लिखनी है और उसके सामने वाले पेज पर जो फेस टू फेस होगा उस पर आप लोगों ने सेंटेंसेस लिखने हैं तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों ने दोनों साइड से मार्जिन लाइन बनानी है पहली लाइन पर आप लोगों ने यूनिट का नाम बोर्ड अल्फाबेट्स में लिखना है यूनिट नंबर 3 इब्न सीना एविसिना भी इन्हें कहा जाता है आप लोगों ने पहले पेज पर 3 कॉलम बनाने हैं वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग और उर्दू मीनिंग का अगले पेज पर आपने सेंटेंसेस के लिए एक कॉलम बनाना है तो फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस यूनिट इज Philosopher, English means a person who seeks wisdom. A person who seeks wisdom. Urdu means philosophy or philosophadan. Sentence for this word is Al-Ghazali was a great philosopher. Al-Ghazali was a great philosopher. Second word is guidance. English means help, direction. Help, direction. Urdu means rahnumai. Rahnumai, rasta dikhana. He did his work under the teacher's guidance. Next word is exceptional. English means unique, special. Urdu meaning غير معمولي یا خاص. Shahid is such an exceptional boy. Sentence for this word is Shahid is such an exceptional boy. Next word is treat. English means to care medically. Urdu maane honge ilaaj karna. Iske liye sentence banaya gaya hai. The doctor treat the patient. Agla word hai intellectual. English means very intelligent. قابل قریب اردو معنی ہوگا His father is an intellectual person. Next word is political. English means relating to politics or government.
रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, सियासी उर्दू मीनिंग होंगे इसके सियासी। अली ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, अली ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट वर्ड इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इंग्लिश मीनिंग द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इल्मे नफ्सियात उर्दू माने होंगे इल्मे नफ्सियात। साइकोलॉजी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, साइकोलॉजी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट वर्ड प्रोबेबली, प्रोबेबली इंग्लिश मीनिंग ऑलमोस्ट सर्टेनली या रीजनेबली ट्रू, रीजनेबली ट्रू। उर्दू में आने होंगे गालिबन, गालिब कहेंगे। That is probably safer. That is probably safer. Sometimes for probably. Last word is recovered. Recovered. English means freed from illness. Freed from illness. Sihatyab hona. Sihatyab hona. He recovered soon. He recovered. Soon. ये थे आप लोगों के इस यूनिक नंबर 3 के डिफिकल्ट वर्ड्स। एक मरतबा फिर मैं दोहरा देता हूं, आप लोग सुन लें। फर्स्ट वर्ड फिलासफर, इंग्लिश मीनिंग्स अ पर्सन हु सीक्स विजडम, अ पर्सन हु सीक्स विजडम। उर्दू माने हैं फलसफी या फलसफादान, यानी ऐसा शख्स जो इल्म की किसी एक शाख पर इंतहा दर्जे की महारत रखता हो, बहुत ज़्यादा माहिर हो किसी एक, कोई भी शाख, किसी भी इल्म की शाख हो उस पर ज़्यादा इल्म रखने वाले शख्स को फलसफादान या फिलासफर कहते हैं। अलगजाली वाज अ ग्रेट फिलासफर, ये एक मुस्लिम फिलासफर हैं गजाली, अलगजाली, इसके बारे में उन्होंने सेंटेंस बनाया, अलगजाली वाज अ ग्रेट फिलासफर। अगला वर्ड है गाइडेंस, गाइडेंस माना हेल्प करना, किसी को रास्ता दिखाना, डायरेक्शन देना किसी को, कुछ कोई चीज़ बताने की बताना किसी को, तो इसके लिए सेंटेंस बनाया हम लोगों ने ही डिड हिज वर्क अंडर द टीचर्स गाइडेंस, ही डिड हिज वर्क अंडर द टीचर्स गाइडेंस। अगला वर्ड है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल इंग्लिश मीनिंग यूनिक स्पेशल, यूनिक स्पेशल। उर्दू मानी होंगे गैर मामूली या ख़ास, शाहिद इज सच एन एक्सेप्शनल बॉय, शाहिद इज सच एन एक्सेप्शनल बॉय। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रीट, ट्रीट इंग्लिश मीनिंग टू केयर मेडिकली, टू केयर मेडिकली इलाज करना। The doctor treat the patient. The doctor treat the patient. इसका sentence होगा। अगला word है intellectual, intellectual English meanings very intelligent, very intelligent काबिल तरीन, बहुत ज़्यादा काबिल शख्स जो हो तो उसे intellectual कहा जाता है। His father is an intellectual person. His father is an intellectual person. नेक्स्ट वर्ड इज पॉलिटिकल, पॉलिटिकल इंग्लिश मीनिंग होंगे इसके रिलेटिंग टू पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, सियासत या गवर्नमेंट से ताल्लुक रखने वाली कोई चीज़ या कोई शख्स, वो सियासी इंग्लिश में उसे कहा जाता है पॉलिटिकल, और उर्दू में मीनिंग होंगे इसकी सियासी। अली ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी, अली ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी। साइकोलॉजी इज नेक्स्ट वर्ड इज साइकोलॉजी, द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, द साइंस ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, इल्मे नफ्सियात। साइकोलॉजी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, साइकोलॉजी इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगला वर्ड है प्रोबेबली, प्रोबेबली इंग्लिश मीनिंग ऑलमोस्ट सर्टेनली,
या रीजनेबली ट्रू, रीजनेबली ट्रू, गालिबन, इसके उर्दू मानिंग होंगे, मीनिंग होंगे गालिबन, गालिब तौर पर, यानी दैट इज प्रोबेबली सेफर। प्रोबेबली के लिए सेंटेंस क्या हुआ, दैट इज प्रोबेबली सेफर। नेक्स्ट वर्ड इज, लास्ट वर्ड है रिकवर्ड, रिकवर्ड, फ्रीड फ्रॉम इलनेस, फ्रीड फ्रॉम इलनेस, इसके इंग्लिश मीनिंग होंगे, उर्दू मानी सेहतयाब होना, सेहतयाब होना। ही रिकवर्ड सून, ही रिकवर्ड सून। तो ये आप लोगों के आज का ये लेक्चर था, आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स पर इसे नीटली लिखना है और इसे याद भी करना है, वर्ड्स, इंग्लिश मीनिंग और इनके उर्दू मीनिंग्स और सेंटेंसेस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।